हेलो दोस्तों, आद्यास क्रिएशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा रेसिपी है भाजनी पीठ या भाजनी आटे का थाली पीठ। ये महाराष्ट्र का एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। भाजनी आटे को कैसे बनाना है मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े टेबलस्पून भुने हुए आटे को लिया है। अब उसके अंदर स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच शक्कर, और 1/4 चम्मच हींग पाउडर डालना है, और उसी के साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर और लाल तीखा पाउडर। आपको थाली पीठ में तीखा कितना चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके साथ ही 1 टेबलस्पून जीरा और 1 से 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डालना है। ये भुना हुआ मूंगफली का दरदरा पिसा हुआ पाउडर, इससे थाली पीठ में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसी के साथ ढेर सारा हरा धनिया भी डालते हैं। अब मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। एक बार इसको सूखे आटे को अच्छे से मसालों के साथ मिलाना है। उसके बाद धीरे धीरे पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। जैसे जैसे आप आटे को लगाते जाएंगे उसके अंदर साबूदाना, चना दाल, चावल सब रहता है, इसलिए वो पानी को सोखते जाता है। थाली पीठ को हमको फैलाना है, हाथों से फैलाना है, इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट डो ही तैयार करना है। अच्छे से ऐसे हाथों से मसलते हुए आटा गूंदना है। इसके साथ अगर आपको चाहिए तो भाजियाँ भी डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मिक्स फ्लोर का थाली पीठ का एक वीडियो डाला है, उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। ये भाजनी पीठ का या भाजनी आटे का थाली पीठ कुछ न डालते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखे, एक ऐसा सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। अब एक मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और पूरा ऐसा तवे के ऊपर फैला देंगे। तेल का इस्तेमाल इसलिए करना है कि वो जो थाली पीठ है तवे के ऊपर चिपके ना। एक मीडियम साइज का आटे का गोला लेना है, अच्छे से उंगलियों से इसको फैलाना है। फैलाने के लिए आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ऑयली हो जाता है, इसलिए मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके, हाथ में थोड़ा सा पानी लेके इसको फैलाएंगे अच्छे से। थाली पीठ आपको जाड़ा चाहिए तो थोड़ा कम फैलाइए, अगर आपको पूरा पतला चाहिए तो पूरा तवे के ऊपर फैला सकते हैं। ये देखिए, ऐसे हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लेके, ताकि ये आटा हमारे हाथ को चिपके ना, इसलिए सॉफ्ट आटा रहता है इसलिए अच्छे से फैल जाता है। साथ में एजेस को भी आप ठीक करते जाइए।
क्योंकि इसमें मल्टीग्रेन डला हुआ रहता है। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। इस भुना हुआ या भाजनी आटे का वड़ा भी बनते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। ये बन के तैयार है। अभी तवे को गैस पे चढ़ाएंगे। अभी थाली पीठ बनाते वक्त उसके अंदर ऐसे छेद बनाया जाता है ताकि वो फूले ना, रोटियों की तरह फूल ना जाए। इसलिए गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। मीडियम आंच पे ढक्कन लगा के ऊपर का पूरा ड्राई होने तक एक बाजू से पकाना है इसको। थाली पीठ आपको क्रिस्पी चाहिए तो कुछ ज़्यादा देर तक पकाइए, अगर सॉफ्ट चाहिए तो ये ड्राई होने के बाद पलट दीजिए उसको। एक साइड से पक चुका है, अब इसको पलटेंगे। गरम गरम थाली पीठ के ऊपर देसी घी या मक्खन लगा के भी खा सकते हैं, और दही के साथ भी परोसा जाता है। दूसरी थाली पीठ, वो क्योंकि तवा गरम रहता है, ठंडा होने तक इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए बटर पेपर के ऊपर ऐसे फैलाया है। इससे जल्दी जल्दी बन जाते हैं। बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के आटे को ऐसे फैलाना है। तो ये लीजिए, हेल्दी नाश्ता तैयार है। मैंने देसी घी और दही के साथ परोसा है। तो ये हेल्दी नाश्ता आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक हेल्दी रेसिपी के साथ। थैंक यू।